कालिंदी, अब तुम मेरे खिलाफ कौन सी साजिश रच रही हो? कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ कालिंदी। कालिंदी कहाँ चली गई? उसका पीछा करो। ये आवाज तो गोली की है। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना इस बंदूक की गोली उसकी खोपड़ी के आर पार कर दूंगा। माता रानी, किसी बात की कमी थी? ब्रह्म राक्षस के हाथों से तो मरते मरते बस निकले, अब ये आ गए। मैं जल्दी से फोन करती हूँ, पुलिस को बुलाते हैं। नाटक बंद कर दे, और ये रोना धोना भी, कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरा किया धरा है, सब मेरा प्लान है। देखो, हमारी तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो जो जहां है वहीं खड़ा रहेगा, और हमें अपना काम करने दो। अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की या पुलिस को बुलाया तो गोली चला दूंगा। अरे नहीं, मेरी बच्चियां, मेरी बच्चियां, मेरी बच्चियां। नहीं 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 नहीं, रुक जाइए, ऐसा कुछ मत कीजिए। देखिए, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, एक इंच भी नहीं हिलेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। लेकिन ये बंदूक जो है आप पीछे रख दीजिए, आपको जो करना है आप करके यहाँ से निकल जाइए, प्लीज। अंगद बेटा सही बोल रहा था, उसे इसमें पहले शक हो गया था, और उसने ये भी बोला था कि शक्ल से भी कहीं से भी ये कैटरिंग स्टाफ वाला नहीं लग रहा। अब पता नहीं क्या होगा, यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अंगद चीचू दी और रॉबिन कहाँ पर गए? सब यहाँ पर है, लेकिन ये तीनों कहाँ पर है?
पता नहीं कौन है ये लोग। वेटर बन के घर में आए थे तभी मुझे डाउट था कि कुछ ना कुछ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, और वही निकला। पता नहीं ये लोग कौन है और यहाँ पे क्यों आए हैं, देयर इज डेफिनेटली अ मोटिव। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ओके सच में हो? ऑफ कोर्स मैं हूँ, मैं नहीं हूँगा तो कौन होएगा? मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या अकेले फंसने दूंगा किसी चीज में? कभी नहीं, तुम्हारे साथ में कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही थी बैठे? मैं यहाँ क्या कर रही थी, क्यों आई थी? जी रही हूँ, मर रही हूँ, व्हाटएवर। अंगद मुझे कोई सेवियर नहीं चाहिए, मुझे मेरा सोलमेट चाहिए। खलिंदी बाहर मत जाना, खलिंदी मैंने कहा बात। कालिंदी सुनो, रुको कालिंदी, रुको कालिंदी। तुम क्या चाहते हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम मेरा खून क्यों निकाल रहे हो? बोलो। गुरुदेव, अभिषेक का कार्य संपन्न हुआ। आज इस कुमारी कन्या का खून हासिल करके मैं सिद्धि पाऊंगा, तंत्र की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाऊंगा, दुनिया का शक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा। रोम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे? वो लोग कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ के गए होंगे रॉबिन। जो लोग कालिंदी को उठाने आए थे ना, उन्होंने कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा, वो हमें ढूंढना होगा। तो यहाँ क्या मिलेगा? वो लोग आए और कालिंदी को लेकर चले गए। यहाँ एविडेंस सर्च करने के बजाय हमें कालिंदी को सर्च करना चाहिए, वरना हम यहाँ पर टाइम पास करते रह जाएंगे और वहाँ उसे कुछ हो गया तो। अरे मैं कब से पुलिस स्टेशन में फोन लगा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। अरे पुलिस टाइम पर आती तो ये होता ही नहीं। मेरी फूल जैसी बच्ची को उठा कर लेके घर, मुझे उठा कर लेकर जाते, कहाँ ढूंढूंगा उसे मैं? वो सिर्फ और सिर्फ कालिंदी को उठा के लेके गए, किसी और को उन्होंने हर्ट भी नहीं किया, इसका कोई ना कोई मतलब जरूर। मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे बस कालिंदी जिंदा चाहिए। I mean, हमें उसे ढूंढना चाहिए, let's go find her. एक मिनट, ये क्या है? इसमें क्या ये मार्क्स क्या रॉबिन? एक मिनट दिखा। अंगद जी, जो ये नेट तो बता रहा है कि ये निशान कोई पहाड़ी वाले तांत्रिक का है। पहाड़ी वाला तांत्रिक? जब इस लड़की के जिस्म से खून की हर एक बूंद निकल जाएगी, तब मेरे तंत्र को शक्ति मिलेगी, मुझे शक्ति मिलेगी। उस वरदात खून की शक्ति से मैं अजर अमर हो जाऊंगा।
ये लोग तो कालिंदी का ब्लड निकाल रहे हैं, पर क्यों? कालिंदी, क्या खाएगा? हाफ फ्राई की ऑमलेट? बोलना बोलना। रुको उसे, अभी तो इस लड़की का बहुत खून निकालना बाकी है। ए, बच्चे की जान लोगे क्या? एक काम करते हैं, एक डील करते हैं, पैसे लो लड़की दो, पैसे लो लड़की दो। क्या है वक्त जो मुझे सिद्धि देगा, शक्ति देगा, अजर अमर कर देगा। ये ब्रह्म राक्षस कालिंदी को पकड़ने के बदले से बचा क्यों रहा है? कालिंदी, अंगद क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम टेंशन मत लो, मैं आ गया हूं ना, मैं बचा लूंगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। अंगद, अंगद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तांत्रिक, ये भ्रम राक्षस को कैसे पता कि मैं यहाँ पे थी? उससे बड़ा सवाल ये है कि हमें बचा क्यों रहा है, मार क्यों नहीं रहा? राइट टाइम, कम 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 ऐसे मुझे बचाने के लिए थैंक्स।
ऐला डेजा वो हम लोग इतनी बार एक दूसरे को बचा चुके हैं कि ये सॉरी और थैंक यू ना अब रिपीट टेलीकास्ट लगता है। वैसे तुम लड़कियों को बचाने वाले टाइप के लगते नहीं हो, लेकिन आज जो तुमने फाइट लड़ी ना, क्यूट वाली फाइट थी। ये तो बस ट्रेलर था। एक्चुअली मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं उन यूजलेस लड़कों जैसा नहीं जो लड़कियों को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपको उनसे क्यों कंपेयर कर रही हूँ? तुम यूजलेस नहीं हो, तुम बहुत प्रेशियस हो। दी अब ठीक तो हो ना? मिंटी एक काम करो, कालिंदी को अंदर ले जाओ और लेटा दो, मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ हॉस्पिटल से। आराम करो, आराम से, बहुत आराम से। देखिए सॉरी। चलो दी। मिंटी आराम से। मिंटी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सालों से ब्रह्म राक्षस मुझे मारना चाहता था, मेरे पीछे पड़ा था, तो इस बार उसने मुझे क्यों बचाया और मुझे छोड़ के वो उन लोगों के पास क्यों चला गया? दी मुझे पता है जब आपके साथ बहुत कुछ हुआ है और आपका बहुत खून निकला है, इसलिए मुझे अंगद जीजू ने स्ट्रिक्टली कहा है कि मैं आपको कुछ भी ना बोलने दूं और बिल्कुल रेस्ट करने दूं, ओके? इसलिए अभी आप चुपचाप रेस्ट कर लो वरना मैं अंगद जीजू को बुला लूंगी। मिंटी तू अभी भी ब्लैकमेल कर रही है, एक काम करना तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। अब ये सवाल मेरे लिए ज्यादा बड़ा हो गया कि आखिर वो ब्रह्म राक्षस किसके अंदर है? मंत्र पढ़ते पढ़ते इन्हें सारी तस्वीरें जला तो दी, लेकिन देख नहीं पाई थी कि किसकी तस्वीर बची है। गन शॉट की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, लेकिन अब तो मैं देख सकती हूँ ना कि आखिर वो कौन है जिसकी तस्वीर नहीं जली। ट्राई करती हूँ। कैसे हो सकता है? वो रहस्यमय पन्नों के अकॉर्डिंग तो ये थ्योरी करेक्ट है, तो क्या इसका मतलब रॉबिन ब्रह्म राक्षस है? राक्षस
अगर रॉबिन ही भ्रम राक्षस है तो मुझे घर में सबको अलर्ट करना होगा, लेकिन सबसे पहले अंगद को। रॉबिन कुछ भी गलत नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता। वो इतना बुरा लड़का नहीं है, वो डेंजरस नहीं है, ही इज हार्मलेस, वो नॉटी है लेकिन खराब लड़का नहीं है। नहीं कालिंदी, अगर तूने अंगद को कुछ भी बताया कि उसका भाई भ्रम राक्षस है तो हो सकता है तेरा प्यार तुझसे नफरत करने लगे, क्योंकि अंगद अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत विश्वास है उस प्यार में। लेकिन रॉबिन नाम के इतने बड़े खतरे को अंगद से अनजान रखना सही होगा? अगर रॉबिन ने अंगद पे अटैक कर दिया तो अगर ये बात मैं अंगद को बोलूंगी तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। हो सकता है कि वो रॉबिन की जगह मुझ पे ही शक करने लगे। मैं अंगद को ये सारी बातें नहीं बोल सकती जब तक वो अपनी आंखों से इस बात को देख ना ले। नहीं, मैं अंगद को तब तक कुछ नहीं बता सकती जब तक मैं अपने शक को पूरी तरह से दूर ना कर दूं। तो ये है अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, दिल दहलाने वाली खौफ की मौत। जाने कितने ही लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे ब्रह्म राक्षस ने खुद को आग लगाकर अपना ही विनाश कर लिया। सूत्रों का दावा है कि अंबाला शहर में अब ब्रह्म राक्षस का खौफ मिट चुका है। ओह माय गॉड, मिंटी इज सो लकी। मिंटी, तुम्हारा रॉबिन से रोका हुआ और देखो वो बदमाश राक्षस फिनिश गॉन। मुझे नहीं लगता कि ब्रह्म राक्षस इस तरीके से मर सकता है, क्योंकि जब मैंने उसको आग में डाला था तब वो आग से जल के नहीं मरा था। इनफैक्ट मदन आग में जल के मर गया और ब्रह्म राक्षस नहीं मरा। आई थिंक देयर इज समथिंग फिशी, ही कांट बी डेड। अब अंगद सही कह रहा है, ब्रह्म राक्षस आग में जल के नहीं मर सकता। हो सकता है उसके पास ऐसी कोई शक्ति हो कि दूसरा उसे ना जला पाए, लेकिन खुद अपनी मर्जी से अपने हाथ से अपने आप को जला पाए? डैड, वो ब्रह्म राक्षस है, कोई कालिदास नहीं है जो अपनी डाली खुद ही काट ले। ब्रह्म राक्षस के विनाश के बाद अंबाला शहर में खुशियों की लहर दौड़ चुकी है, खासकर उन युवाओं के लिए जो अभी तक ब्रह्म राक्षस के डर से शादी नहीं कर रहे थे, पर अब उन्होंने पूरे धूमधाम से सामूहिक विवाह की तैयारी शुरू कर दी है, और वो भी पूरी रस्मों कस्मों के साथ। बड़े सालों बाद अंबाला शहर में दुल्हन लाल जोड़े में मंडप पर बैठेगी और शादी का असली रंग देखेगा ये अंबाला शहर। अंगद ब्रह्म राक्षस इज डेड, वरना अंबाला के सारे लोग शादी की तैयारी नहीं कर रहे होते, राइट? Yes, mom, you're right. He's dead. Now we are free from his fear. बिल्कुल ठीक है रॉबिन बेटा। भाई शक्ति साहब, ये न्यूज़ है सेलिब्रेट करने लायक। हाँ, महखाने के दरवाजे खुलने चाहिए और बीवी जी महफिल सजाइए आप प्लीज। हाँ हाँ सजाएंगे, पूरा साथ देंगे। इस बात पे हक तो बनता है। क्या हुआ? अंगद, मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। अरे कमाल की टाइमिंग है तुम्हारी, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरे दिल पे जो इतना भारी बोझ था ना वो अब उतर गया है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे बीच का जो मॉन्स्टर था वो हमारे बीच में अब नहीं आएगा। रॉबिन को रॉबिन का प्यार मिल गया, मिंटी को मिंटी का प्यार मिल गया, एवरीबॉडी सो हैप्पी। मुझे तो लग रहा है आज मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। इनफैक्ट मुझे तो नींद आ भी रही है, मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए। एंड मिस फ्यूचर वाइफ, मुझे लगता है कि अब मेरी नींद तुम्हारी सौतन है। तो यू एक्सेप्ट योर सौतन? Accepted. तुम जाओ सो जाओ, बात तो हम कल भी कर सकते हैं ना। गुड नाइट। गुड नाइट। बैब्स, नाउ लुक इन। गुड नाइट। आज से पहले मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। जब पहली बार मैं इस शरीर के अंदर घुसा था तो मुझे कितना अजीब लगा था। Hey, you're not drinking anything. Come on, let's take a sip. सोना, ये स्टोन है, तूने फैशन के लिए पहना है?
या फिर तू इन सब चीजों को मानती है? ओ प्लीज यार, अब फिर से मुझे मेरी मॉम की याद मत दिलाओ। इन सब बातों में ना मेरी मॉम बिलीव करती है। आज तो उन्होंने मुझे वार्न कर दिया, कहा कि अगर घर से बाहर जाना है तो ये स्टोन पहन के। यू नो वो कहती है कि इस स्टोन में बहुत शक्ति होती है, कोई ब्रह्म राक्षस भी इसके आगे टिक नहीं पाएगा। आई जस्ट लव इंडिया, और यहाँ की स्पिरिचुअलिटी से मुझे अलग लेवल का प्यार हो गया है। But this thing, this is looking damn cool on you. Okay, तो मैं भी ये पहन सकती हूँ। एक काम करते हैं, देखते हैं ये मुझ पे कैसा लगता है। सोना, प्लीज मुझे भी ट्राई करना है यार, चलिए निकाल के देखते हैं। प्लीज यार, ये मेरी मॉम ने दिया है, मैं तुझे नहीं दे सकती। यार तू कितनी बुरी है, तू मुझे एक मिनट के लिए दे, प्लीज 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 पहनना है, मैं भी देखती हूँ मुझ पे कैसा लगता है। यार क्या हो गया है पम्मी तुझे? I just love this cat fight. Carry on, guns. Bro, क्या यस ब्रो, यहाँ शैंपेन पार्टी करनी है यार, तू कहाँ गायब है यार, तेरे को यहाँ पे होना चाहिए मेरे पास। Bro, I'm with my hot shots. मेरी शैंपेन पार्टी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। I'm having great fun, bro. आपके साथ शैंपेन पार्टी कल, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा 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 अच्छा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरी शादी गलत लड़की से हो रही है लेकिन तू वहाँ शैंपेन पार्टी कर रहा है। Dude, you know what? You're just useless. आज के लिए मुझे फ्री छोड़ दो यार, आपके साथ कल से फुल पार्टी करने वाला हूँ मैं। आज रात नहीं, आई एम हैविंग ग्रेट टाइम ब्रो। आप पार्टी करो ना अपनी उस विजन गर्ल के साथ, उसके साथ पूरे घर में फड़फड़ करो, उसको पकाओ। यार उल्टा होता है यहाँ पे, मैं उसको नहीं पकाता हूँ, वो मेरे को पकाती है। तो ब्रो मेरे लिए एक दिन पक लो ना। नहीं, मैं तेरा वेट करूंगा। अगर तो पूरी रात चैंपियन पी के हिलता डुलता हुआ भी आएगा ना, तभी भी तेरा भाई यहाँ खड़ा है देखो पकड़ने के लिए। Bro, I love you so much. I love you so much. आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। I love you, चलो bye. मेरा स्टोन, मेरा स्टोन इसके मुंह में गया। मेरी मॉम तो मुझे मार ही डालेगी। पागल लड़की, तुझे अपने स्टोन की पड़ी है। अरे अगर वो स्टोन इसकी बॉडी के किसी गलत पार्ट में चला गया तो ये तो मर ही जाएगा। ओ गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रोबिन, रोबिन प्लीज ट्राई। रोबिन, मुझे मरना नहीं है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मेरा स्टोन। हाय, मेरे रॉब्स की जान। आर यू क्रेजी? यहाँ मेरी जान जा रही है पर तुम्हें अपने स्टोन की पड़ी। रोबिन प्लीज, रोबिन प्लीज ध्यान से आराम से चलाओ प्लीज। मॉन्स्टर, नीचे उतार इसको। जब देखो तब सामने आके खड़ा हो जाता है। मुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरता हूँ? रॉबिन किसी से डरता नहीं है। यू अगली मॉन्स्टर, नीचे उतार इसको। तू मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस। आज तो क्रिसमस है ना, क्रिसमस तो सांता क्लॉज का होता है। नो नो, मैं सांता क्लॉज में बिलीव नहीं करता। मैं कह रहा हूँ तू भी मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। मैं तुझ में भी बिलीव नहीं करता कि तू है। Get lost! नीचे उतार इसको। छोड़ उसे नीचे। Leave her, you monster! पम्मी, पागल हो गया क्या तू? इतने बड़े बड़े कान में सुनाई नहीं देता, उसको आराम से नीचे उतारने को बोला था मैंने। यू मॉन्स्टर, यू लेव मी। व्हाट आर यू डूइंग? यू मॉन्स्टर, लेव मी। Yeah.
अगला तक पकड़ा मॉन्स्टर, व्हाट डू यू थिंक? तू मुझे खा जाएगा, तू मुझे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। रॉबिन को डाइजेस्ट करने जितना मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है ही नहीं तेरा। नहीं बे, जो पिछला शरीर लिया था उसमें तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। रॉबिन किसी से अगली इसकी सोच अब भी मेरे दिमाग में चल रही है। हंस रहा है या मुझ पर मजाक उड़ा रहा है मेरा? क्या हो रहा है? इस शरीर मुझे अपने अंदर से बाहर क्यों फेंक रहा है? मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही? It's too hot! ये शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है, कुछ तो खास बात है इसमें, कोई तो बात है। शरीर मेरे वश में क्यों नहीं आ रहा है? ये मर कर भी मेरे दिमाग में जिंदा क्यों है? मेरी शक्तियों का वान इतना कम क्यों है? मुझे शरीर को वश में करना होगा, अभी करना होगा, अभी करना होगा। लो, शक्ति फिर से आ गई। Oh, my God.
शक्तियां अब मेरे काबू में आ ही गई। अब मैं इस शरीर को अपने वश में कर सकता हूं। देख फिरंगी देख, गंदा कहा था ना तूने मुझे। अब देख, हम दोनों गंदे। शुरू में तो मुझे शरीर बिल्कुल पसंद नहीं था, पर धीरे धीरे मुझे शरीर से प्यार हो गया। इसके इस दिमाग में एक आग है, आग नई नई चाल है। ये लड़का ही कुछ कमाल है, कमाल है। अब मैं इसका दिमाग और इसके इस दिमाग का हुनर अपने अंदर सोख लूंगा। और फिर उसके बाद मेरे खेलों में भी राजनीति होगी, चाल होगी, बल होगा, और जो भी होगा प्रबल होगा। जैसे शेर अपने शिकार को मारने से पहले भगाता है, उसके मजे लेता है और मजे ले लेकर उसे मारता है, वैसे ही अब देख कालिंदी, तुझे मारने से पहले तेरे एक एक अपने को तेरे खिलाफ कर दूंगा। बस देख, देख कालिंदी। अगर रॉबिन भ्रम राक्षस है तो अपने आप को आग लगाने के बाद भी उसके बॉडी पे मार्क्स क्यों नहीं? कोई ना कोई जलन के मार्क्स तो जरूर आए होंगे। सच क्या है वो अभी पता चल जाएगा। अंगद, तुम्हें मेरी वजह से वापस से चोट लग गई, लेकिन अब मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि तुम रॉबिन से बहुत प्यार करते हो। आ गई सौतन से लड़ने? अब नहीं, वो तो मैं क्या? नहीं, अंगद। वो तो मैं क्या? अंगद, तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझूंगा? मैं समझना चाहता हूँ, समझाओ मुझे। अंगद, रॉबिन कहाँ है? रॉबिन कहाँ है? यहीं कहीं, यहाँ नहीं है। मिंटी के पास होगा। क्यों? मिंटी के पास? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो उसके पास गया तो मुझे रोकना होगा।
अरे क्यों रोकना होगा मिंटी के पास जाने से? प्रॉब्लम क्या है उसके मिंटी के पास जाने से? मिंटी से उसका रोका हो चुका है, वो मिंटी से मिल सकता है, उसका हक बनता है यार। रॉबिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, मैं उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दूं तुमको? अंगद मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। You know what, Minty? मैं desperately wait कर रहा हूँ कि कब हमारी शादी हो, कब हम एक दूसरे के और close आएं, कब मैं तुम्हें feel करूँ। You know what I mean? Robin, मेरी बहन से दूर हटो। Minty, ये को तो। मैं Robin आई हूँ। Minty। क्या करिए तू? दी आप क्या कर रहे हो? उसे अचानक आके रॉबिन को धक्का मारना, व्हाट इज ऑल दिस? दी मिंटी से रात को अकेले में इसको मिलने का क्या मतलब है? दी अब मैं कोई बच्ची नहीं रही हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। और रॉबिन कोई सड़क छाप आशिक नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरा फियांसे है। मिंटी मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन मेरी एक बात ना कान खोल के सुन ले, तो इसको रात में ऐसे अकेले में नहीं मिलेगी। पर्हैप्स आपको क्या हो गया? आप तो हम दोनों के रोके से खुश थी, तो फिर अब ऑब्जेक्शन क्यों? रॉबिन तुम प्लीज दी की बातों का बुरा मत मानना, आजकल बेवजह गुस्सा करने लग। नो मिंटी, डोंट से दैट। वो तुम्हारी कालिंदी दी है और मेरी होने वाली भाभी, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। अच्छा यू डू वन थिंग, तुम अपने रूम में जाओ, आई विल टेक्स्ट यू। ओके दी क्या? दी आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज मेरी लाइफ मत स्पॉइल करो। मिंटी जब अपने दूर जाते हैं तो बहुत दर्द होता है ना? आई मीन पर्हैप्स अभी जब मिंटी मुझसे दूर गई तो मुझे बहुत पेन हुआ। यू नो व्हाट आई मीन कि मैं मिंटी से कितना प्यार करता हूँ आपको तो पता ही है। गुड नाइट।